ये कई साल से लड़ाने का काम कर रहे आपस में, ये चाह रहे कि देश के जनता आपस में लड़े, देश में दंगे कम हो रहे। ये एक है गैंग, नागपुर से लगाकर पूरा दिल्ली में गैंग एक है इनका। तो ठीक है, कह रहे हैं कि नागपुर से लेकर यहाँ तक एक ही गैंग है इनका। उनका इशारा है संघ और बीजेपी की ओर। अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाने वाले राकेश टिकैत ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी तीखा हमला किया और कह दिया साफ साफ कि ये सब लड़वाने की साजिश है, आगे दंगा करवाने की साजिश है। मोहन भागवत ने वर्ण विवक्षा करने का बयान दिया ब्राह्मण पर, क्या कहेंगे आप इसमें? और ये देश की जनता अभी समझ रही क्या? ये तो पिछले कई साल से यही तो काम कर रहे हैं भाई, यही तो काम कर रहे हैं, ये कई साल से लड़ाने का काम कर रहे हैं आपस में। ये चाह रहे कि देश के जनता आपस में लड़े, देश में दंगे कम हो रहे। ये एक है गैंग, नागपुर से लगाकर पूरा दिल्ली में गैंग एक है इनका सब, और देश बना दिया गरीब भाई। इन्होंने पहले कहा कि 15 लाख रुपए देंगे और 15 लाख से इन्होंने 5 किलो गेहूं पर ले आए, और जनता को कभी कह दे कि नहीं भाई ये पूरा साल देंगे, कभी 3 महीने देंगे, कभी 6 महीने। अब जनता 15 लाख तो भूल गई, कह लगे 5 किलो गेहूं बंद ना कर दे, तो देश का बता दो, देश गरीब हुआ या अमीर हुआ, ये देश की जनता समझ जाए। वही टिकैत सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बरसे, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को भी घेर लिया और उन पर भी धर्म के आधार पर लोगों के बीच दीवार खड़ी करने और पोलराइजेशन की गंदी पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। दरअसल सवाल राहुल गांधी के योगी पर दिए गए बयान पर पूछा गया था, तो जवाब क्या देते हैं राकेश टिकैत, आप खुद सुनिए। ये सारे उड़ जाएंगे, 2023 का जो है वो धार्मिक, उसमें झगड़े करवाएंगे एक दूसरे से, तो 2023 में बच के रहना झगड़ों से। कोई किताब की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई जातियों की बात करेगा, लड़ना नहीं, बस देश की जनता को लड़ना नहीं। ये लड़ाएंगे, सरकारी लड़ाई करवाएंगे, तो लड़ना नहीं बस हमको। धार्मिक बातों में उड़ जावेंगे, उसे लड़वाने का काम करेंगे, जाति को एक जाति से दूसरी से लड़वाएंगे, एक धार्मिक को दूसरे धर्म से लड़वाएंगे। 2023 में कोई आदमी लड़ना। तो राकेश टिकैत डंके की चोट पर कहते हैं कि ये सब एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाने की सियासी साजिशें हैं। वो लड़वाएंगे पर लड़ने का नहीं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और 10 तारीख को किसानों की महापंचायत होनी है, जिसे लेकर सिसौली में बैठक करने पहुंचे थे राकेश टिकैत, और जब मीडिया के सामने आए तो अपने ही अंदाज में दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।